हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ग्रेविटी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जुलाई 2018 से 9 जुलाई 2018 तक के लेटेस्ट जजमेंट्स एंड लीगल न्यूज़ के बारे में। पर उससे पहले एक ज़रूरी बात, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे फ्रेश अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की वीडियो में हम इन 5 लेटेस्ट जजमेंट्स एंड लीगल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहला देखते हैं, ललित यादव वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये जजमेंट 5 जुलाई 2018 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिया, जिसके न्यायाधीश रहे ऑनरेबल जस्टिस अभय मनोहर सप्रे एंड ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित। रिलेटेड प्रोविजंस सेक्शन 228A IPC। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एवरी अटेम्प्ट शुड बी मेड बाय ऑल दी कोर्ट्स नॉट टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 228A ऑफ IPC। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 228A के संदर्भ में विक्टिम यानी पीड़ित की आइडेंटिटी यानी पहचान का खुलासा ना करने के लिए सभी न्यायालयों द्वारा हर प्रयास किया जाना चाहिए। आईपीसी के सेक्शन 228A में कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण मीन्स डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एक्सेट्रा को पनिशेबल बनाया गया है। अभी हाल ही में सेक्शन 228A के सबसेक्शन 1 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 से संशोधन किया गया है। नेक्स्ट जजमेंट देखते हैं, शांति भूषण वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स रजिस्ट्रार एंड अनदर। ये जजमेंट 6 जुलाई 2018 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिया, जिसके जजेस रहे ऑनरेबल जस्टिस AK सीकरी एंड ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिसीजन दिया कि ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द रोल ऑफ CJI एज मास्टर ऑफ रोस्टर, इट इज बेस्ड ऑन हेल्दी प्रैक्टिस टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द कोर्ट। इस मामले में ऑनरेबल जस्टिस सीकरी एंड ऑनरेबल जस्टिस भूषण ने सेपरेट लेकिन कंक्रेंस यानी सहमति में जजमेंट देते हुए ये डिक्लेयर करने से मना कर दिया कि मामलों को आवंटित करने यानी एलोकेटिंग केसेस और बेंच आवंटित करने यानी असाइनिंग बेंचेस का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बजाय 5 सीनियर जजेस की कॉलेजियम द्वारा किया जाए। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि CJI का मास्टर ऑफ रोस्टर का रोल किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर बेस्ड नहीं है। इस पर जस्टिस AK सीकरी ने स्पष्ट रूप से एक्नॉलेज यानी स्वीकार किया कि कॉन्स्टिट्यूशन CJI की मास्टर ऑफ रोस्टर के रोल पर चुप है, लेकिन कोर्ट का डिसिप्लिन एंड डेकोरम मेंटेन करने के लिए मास्टर ऑफ रोस्टर का ये रोल एक हेल्दी प्रैक्टिस एंड साउंड कन्वेंशंस पर बेस्ड है जो समय के साथ डेवलप यानी विकसित हुई हैं और ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में शामिल हैं। CJI के पास मामलों को आवंटित करने का अधिकार यानी अथॉरिटी टू एलोकेट केसेस है और उन्हें अदर जजेस से कंसर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मामले में AK सीकरी एंड अशोक भूषण की बेंच ने कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर नवंबर 2017 में दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को फॉलो किया, जिसमें CJI की शक्तियों मींस पावर्स की मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में पुष्टि यानी अफर्मेशन की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 6 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जज जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 मींस द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 एंड 2 एंड सेक्शन 7 की पावर्स का यूज़ करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन यानी परामर्श से भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को नोटिफिकेशन के पब्लिकेशन की डेट से 5 वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए या इनमें से जो भी पहले हो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष अपॉइंट किया। नेक्स्ट केस देखते हैं, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज एस मलिका एंड अदर्स। ये ऑर्डर 7 जुलाई 2018 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिया, जिसके न्यायाधीश रहे ऑनरेबल जस्टिस कुरियन जोसेफ एंड ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट स्टेड अ मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट ऑल्दो वन ऑफ द जजेज हु पास द ओरिजिनल जजमेंट वॉज अवेलेबल, ही वॉज नॉट इन द बेंच विच कंसिडर्ड द रिव्यू पिटिशन।
इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर इस आधार पर रोक लगा दी कि जब उनमें से एक जज जिसने ओरिजिनल जजमेंट पास किया था उपस्थित था तो उसे रिव्यू पिटीशन सुनने वाली बेंच में शामिल क्यों नहीं किया गया था। नेक्स्ट जजमेंट देखते हैं। विनय शर्मा एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स एंड मुकेश वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये जजमेंट 9 जुलाई 2018 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने दिए, जिसके न्यायाधीश रहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस आर भानुमति, ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण। रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द रिव्यू पिटीशंस फाइल्ड बाय डेथ रो कन्विक्ट्स इन 2012 निर्भया गैंगरेप केस एंड अपहेल्ड द डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड टू देम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया केस में फांसी की सजा पाए हुए कन्विक्ट्स यानी दोषियों मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि उन्हें यानी सुप्रीम कोर्ट को इस रिव्यू पिटीशन में ऐसा कोई ग्राउंड यानी आधार नहीं मिला जिससे कि सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन पर आर्टिकल 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विद ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के तहत अपने रिव्यू ज्यूरिडिक्शन को एक्सरसाइज यानी प्रयोग करें। 5 मई 2018 को मुकेश एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स के मामले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस आर भानुमति एंड ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखते हुए मुकेश, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। जजमेंट देते हुए सीजेआई दीपक मिश्रा ने निर्भया गैंगरेप को सुनामी ऑफ शॉक यानी सदमे का सुनामी भी बताया था। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। डेली एमसीक्यूज, लेटेस्ट जजमेंट, करंट अफेयर्स के लिए लीगल ग्रेविटी के फेसबुक पेज को लाइक करें और अपनी लीगल नॉलेज को सभी के साथ शेयर करने के लिए लीगल ग्रेविटी के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।